Now we start with the next reproduction in paramecium that is called as autogamy. Dear students, autogamy is also called as automixis. Automixis means, auto means self, gamy means gametes. That means self the gametes the mixing honey. In this process, the two pronuclei of the same individual fuse together to forming a zygote, and it is said to be correspondence with the self-fertilization in higher organism. It is discovered by Diller in 1934 in Paramecium aurila. During this process, what is happened? So in this process, what is there? Hun hunda ki dekho beta, apna ek figure de vich dekho ke there is organism. Theek hai, this. Hun ise vich dekho sab to pehla ki hai, like you can see, jehdi blue color de hai macronuclei. Macronuclei ne pehla vangu hi disintegrate kar jana hai. Micronuclei jinniyan vi apan देख रहे हाँ या तुसी पहला ही पढ़िया उन्होंने जो आप रीप्रोडक्शन कर रहे उन्होंने सिंगल माइक्रोन्यूक्लियर थान पर कि माइक्रोन्यूक्लियर पहला ही डबल होंगे हैं. दीज टू माइक्रोन्यूक्लियाई दे अंडरगो टू डिविजन्स. सो दैट मीन्स वन इज फर्स्ट मियोसिस. फर्स्ट मियोसिस यू नो दैट रिडक्शनल होंगी है एंड सैकेंड मियोसिस इज अ इक्वेशनल. दैट मीन्स एक सैल्स तो एक जड़ा है डिवाइड करेगा तो सानू किन्ने ऑर्गेनिज्म मिलेंगे. वी कैन गैट फोर एंड फोर फ्रॉम द अदर. दैट मीन्स वी गैट एट दिस साइड वी कैन गैट एट न्यूक्लियाई. ऑफ दीज एट न्यूक्लियाई दे अंडरगो उन्होंचों टू टू फाइव दे अंडरगो बट दे अंडरगो थर्ड डिवीजन. टू इन्हों चो जी ये दो ना गए है इन्होंने कुछ की रह जाते बेटे टू प्रो माइक्रोन्यूक्लियाई अराइजिंग आफ्टर द थर्ड डिवीजन सरवाइव. इन्होंने सिर्फ दो सरवाइव कर दी हैं बाकी सारे जड़े आ जिन्नी भी है ने यह सारे की है डिवीजन भावें सैकेंड द है या थर्ड डिवीजन दे वी कैन से डिसइंटीग्रेट. नाउ जिहड़े ए दो प्रो न्यूक्लियाई बचियां ने साडे कोले सो वट इज़ हैपन टू दैट. इन्हां दो प्रो न्यूक्लियाई जिहड़े ने दे आर नाउ तुसी देखो कि दे आर नाउ एक पैरामीशियम दे विच की देखदे आ कि असी उन्हां दे उत्ते एक प्रोट्यूबरेंस एक कवर जा बन जांदा है. ठीक है एंड वी नेम एज अ प्री ओरल कोन एंड दीज टू न्यूक्लियाई एक्ट एज अ गमीट एंड एंटर इन टू दिस प्रो न्यूक्लियाई प्रो ओरल कोन एंड दोनों की है उन्हां दे विच देयर विल बी अ यूनियन सो फॉर्मिंग अ वन स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ जायगोट एंड दिस इज कॉल्ड एज सिनगैमी या सिनकेरियोन. सिन मीन्स फ्यूजन केरियोन मीन्स न्यूक्लियाई न्यूक्लियर यूनाइट कर गए एंड दैन लेटर अंडरगो फिर टू सुक्सेसिव डिवीजन. ठीक है दो तो बाद फिर दोनों की अगे चले गए फर्स्ट आ देखो सो लाइक दैट आप जो देखिए सो आई एम राइटिंग ओवर इज द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द सिनकरियन टू माइक्रो न्यूक्लियाई दैन सैकेंड डिवीजन है फोर न्यूक्लियाई जिहड़ी फोर न्यूक्लियाई बने उन्हां चों की है दो की है कन्वर्टेड दो टू बिकम अ मैक्रो एंड टू माइक्रो. दैन अगेन दीज माइक्रो न्यूक्लियाई जिहड़ियां ने ऑफ पैरामीशियम दे डिवाइड टू फॉर्मिंग अ फोर न्यूक्लियाई फोर माइक्रोन्यूक्लियाई. सो दैन इट डिवाइड बाई बाइनरी फ्यूजन एंड फॉर्मिंग अ वन ऑर्गेनिजम हैविंग अ वन मैक्रो एंड टू माइक्रो जिथों आप शुरू किया बेटा. सो लाइक दैट एट द एंड अगेन वी गैट दैट लाइक दिस. सो क्लीयर. सो ये है ऑटोगैमी. ऑटोगैमी द सिग्निफिकेंस यही होंगे कि इट इज़ लाइक कंजुगेशन रिजल्ट इन जुविनेशन एंड मल्टीप्लीकेशन बट इट प्रोड्यूस होमोजाइगस इंडिविजुअल वाइल कंजुगेशन प्रोड्यूस हेटरोजाइगस इंडिविजुअल.
सो इन अदर वर्ड्स कंजुगेशन प्रोड्यूस वेरिएशन एंड ऑटोगेमी प्रोड्यूस प्योर लाइन. सो ए है बेटा अप टू दिस ये ऑटोगेमी. नाउ इस तो बाद आप नेक्स्ट से चलते हैं. नेक्स्ट इज हेमिक्सिस. दिस इज अगेन अनदर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज एंटायरली डिफरेंट मैकेनिज्म. कुछ खास नहीं है इसके अंदर बट जस्ट की है एक प्रोसेस मिलया है कि इट इज इन दिस प्रोसेस रीकंस्ट्रक्शन ऑफ मैक्रो न्यूक्लियस विदाउट एनी चेंज इन द माइक्रो. अगे आप जिन्हें पढ़िया ने उस माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइड हो रही ने उन्होंने चेंज आ रही मैक्रो जी डिसइंटीग्रेट हो जाती. हेयर इट इज़ अ रिवर्स इज देयर. हेयर इज़ अ रीकंस्ट्रक्शन ऑफ द मैक्रो न्यूक्ले डिस्कवर 1936 इन डिलर अगेन सेम साइंटिस्ट बट इन अ पैरामीशियम क्योडेटम. नाउ वट इज इन दिस यू कैन सी हेयर थ्री प्रोसैस. ये तीन प्रोसैस मानते हैं. पहले प्रोसैस असी देखिया की है लाइक दिस ए है द मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइड विदाउट डिवीजन ऑफ माइक्रोन्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म लाइक दिस. विद दिस द ऑर्गेनिज्म रिज्यूम नॉर्मल लाइफ एंड बाइनरी फ्यूजन. आफ्टर दैट दो बन गया एंड देन देयर विल बी अ टू न्यूक्लियाई. ठीक है. इन दिस फर्स्ट फ्यूजन ओनली द माइक्रोन्यूक्लियर डिवाइड सो दैट द नॉर्मल न्यूक्लियर नंबर इज रिस्टोर्ड. देखो दो बन गए फिर की है माइक्रो न्यूक्लियस भी डिवाइड हुई एंड दैन साढ़े को सेम नंबर जो है आ गया जिमें पेरेंट्स से. ठीक है. दैन इन सैकेंड केस दिस हेयर मैक्रो न्यूक्लियस थ्रो आउट अ पार्ट ऑफ इट्स क्रोमोटिन इन टू द साइटोप्लाज्म हेयर वेयर इट इज अब्सॉर्ब. दिस मेक्स द ऑर्गेनिज्म नॉर्मल. ठीक है. थोड़ा जहा सुटता कोई माड़ी मोटी चेंज लिया एंड बिकम नॉर्मल फॉर दैट. ए जड़ी है कोई बहुत डिफरेंट. इट इज़ सीन इन सर्टन ऑर्गेनिज्म. इट इज़ नॉट अ प्रॉपर मैकेनिज्म. देन इन थर्ड कैटेगरी हेयर बोथ द अबव इवेंट्स अक्कर सैमनटेनियसली मीन्स माइक्रो मैक्रो न्यूक्लाई थ्रो आउट अ पार्ट ऑफ क्रोमोटिन एंड आफ्टर दैट अंडर गो डिवीजन. ठीक है. ये थ्रोन हो गया ए डिवीजन एंड डिवीजन तो बाद फिर की है माइक्रो न्यूक्लियर शेड सम क्रोमोटिन एंड डिवाइड इनटू टू नॉर्मल प्रो न्यूक्लियर ओनली माइक्रो न्यूक्लियर एंड बॉडी डिवीजन इज देयर. ठीक है. लाइक दिस इट इज़ अ वेरी सिंपल. ठीक है. सो ए है अप टू दिस वी कैन से हेमिमिक्सिस. सो हेमिमिक्सिस तो बाद जी है आप इस तो अगे चलीए तो साढ़े को साइटोगैमी आती है. साइटोगैमी इज अगेन टाइप ऑफ डिवीजन इन पैरामीशियम वेयर देयर इज प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर रिकंस्ट्रक्शन विच अकर इन पेयर्ड ऑर्गेनिज्म बट इन्वॉल्व्स अ फ्यूजन ऑफ गमेटिक न्यूक्लियाई ऑफ द सेम इंडिविजुअल. ठीक है ना. बड़ा ध्यान ना समझो बेटा स्टूडेंट्स इन ध्यान इस करके क्योंकि देखिए ये की है कंजुगेशन वांगू इस दे अंदर दो इंडिविजुअल बहुत नेड़े नेड़े आते हैं मीनस अपने आप पेयरिंग करते हैं बट उन्होंने विचकार जी है न्यूक्लियर मटीरियल ट्रांसफर नहीं होंगे. वह कितने होंगे मिकसिंग कितने होंगी वो अपने विच ही होंगे. दैट मीनस इट इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन कंजुगेशन एंड ऑटोगैमी. ऑटोगैमी वांगू अपने ही न्यूक्लियर यूनाइट कर रहे हैं बट कंजुगेशन वांगू दोनों जोड़े है आ जाते नेड़े नेड़े. सो इन अदर वर्ड इट इज़ ऑटोगैमी इन कंजुगेशन. यस. ठीक है. नाउ 1939 के अंदर इट इज़ डिस्कवर्ड बाय अ विचरमैन. हुण हुंदा की देखो ध्यान नाल. सो लाइक दिस टू इंडिविजुअल ज्वाइन टूगैदर बाय देयर ओरल सरफेस एज अ कंजुगेशन. मिल गया कंजुगेशन वांगू. ठीक है. Then the macronuclei of each break into small particles, okay, like here it is breaking off like this, and absorb into that of the cytoplasm. Now this micro, that is again, dekho dhyan naal dekhna agge points. Isnu beta tusi apni
कॉपी दे विच पॉइंट्स वांगू भी लिख सकते हो. ईच माइक्रो न्यूक्लियाई अंडरगोज टू सक्सेसिव डिवीजन. द फर्स्ट वन इज रिडक्शनल एंड सैकेंड इज इक्वेशनल एंड फॉर्मिंग अ फोर न्यूक्लियाई. ये भी चार बन गए, ये भी चार बन गए. आफ्टर दैट थ्री वी कैन से मैक्रोन्यूक्लियर पीसिस एंड थ्री माइक्रोन्यूक्लियर डिसअपीयर हो गया. ठीक है, लाइक दिस एक एक रह गया. देन सर्वाइविंग माइक्रोन्यूक्लियाई डिवाइड टू फॉर्म गैमीट्स, दो बन गए. ठीक है, इन्हों आप गैमीट्स कह सकते हैं और या इन्हों आप प्रो न्यूक्लियाई कह सकते हैं. ठीक है, सो इट कैन बी अ प्रो न्यूक्लियाई. सो प्रो न्यूक्लियाई जड़े ने दे विल बी अ फ्यूज्ड. देखो देखो ना नैक्सट, हुन जड़ी फ्यूजन है दैट इज़ अक्कर. फ्यूजन तो बाद साढ़े को दिस इज़ अ जायगोट. की है बेटा, जायगोट बन गया. हुन जायगोट जड़ा उस तरीके ना जड़ी है पैरामीशियम दे विच जड़ी है यूनियन तो बाद सेम दो इंडिविजुअल फिर अलग अलग हो गए, दोनों सेम प्रोसैस चलना है. फिर जायगोट अंडर गो जिम्मे एक्स कन्यू द पेयरिंग इनवॉल्व नो सेपरेट एंड बिहेव and multiply as X conjugant do after conjugation. ठीक है, so by three successive nuclei division each individual produces four daughter. लिख जा देखो, अठ बन गए, दो दो चार दो छे एट, एट चो की है फोर एक्ट एज अ मैक्रो. ठीक है, फोर न्यूक्लियाई जी है वो मैक्रो एक्ट करनी है. ठीक है, एंड थ्री डिसपेयर, वन माइक्रो न्यूक्लियर जी है वो बचेगी. एंड वन माइक्रो न्यूक्लियर की है ऑफ द पैरामीशियम डिवाइड. ठीक है, सो लाइक दिस एंड देन देयर विल बी अ सिंपली अगेन उन्होंने डिवाइड करना है एंड देन सारे दे विच की है, पहले दो डिवाइड कर लिया. ठीक है, दो सी दो चो फिर लाइक दिस एंड फिर उन्होंने अलग अलग, सो दैट मीन्स इनिशियल तौर के उत्ते इस तरीके की फॉर्मेशन हो जाती है. क्लीयर, so that is all about the cytogamy and I can say that it is all about the reproduction also. so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ significance ਬਟ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈਜ ਡਿਪਲੋਇਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਮੈਗਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਕਰੋਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬੀਂਗ ਫੋਰਮਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋਨਿਊਕਲੀਅਸ also has a same number of in the beginning, later on it become polyploid, bahut number ho janda hai by repeated replication of its chromosome. so e manya janda ki a mitotic division of the macronuclei during binary fission cause unequal distribution of chromosome. so is karke ki hai ultimately inna jehdiyan eh sariyan aap padhiyan macro jehdi autogamy hemimixis eh sari jehdiyan ne that was lead to the ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਬਲੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਨ ਸੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਰੀਜੂਵੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਗਰੋਥ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. ਸੋ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਆਟੋਗੈਮੀ ਰਿਪਲੇਸ ਦਾ ਓਲਡਰ ਐਬਨੋਰਮਲ ਮੈਕਰੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿਦ ਦਾ ਨੋਰਮਲ ਵਨ. ਸੋ ਦਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਰੀਜੂਵੀਨੇਟ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ